दोस्तों आज की इस वीडियो में प्लम्बिंग आउटसाइड काम के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो दोस्तों आउटसाइड का काम, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए दोस्तों ब्लॉकेज और प्रेशर से जुड़ी। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मैं जेड क्लाइंब के थ्रू से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 14 घर का मैं पट्टी काट चुका हूँ लाइन के हिसाब से। तो वहाँ पे दोस्तों 2 4 इंच का लाइन जाएगा और 3 जो है दोस्तों पानी का लाइन जाएगा एक मोटर लाइन के साथ में। तो उसके हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पे ये 14 घर का जो है पट्टी काट कर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो 3 इंच का पट्टी है जेड क्लाइंब का, ये आप देख लीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर से डोरी छोड़ देना है और ओलम्बो करने के बाद में ये डोरी को आपको ऊपर नीचे बांध देना है। और उसके बाद दोस्तों क्लाइंब को ऐसे आप मार सकते हो तो क्या है, बिल्कुल सीधा होगा काम, ये आप देख लीजिए। और एक क्लाइंब से दूसरा क्लाइंब का जो डिस्टेंस है यहाँ पे मैं 3 फीट रख रहा हूँ, ताकि ये यूबोल्ट से काम होने वाला है और बहुत ही मजबूत काम होगा दोस्तों। ये आप देख लीजिए, इसको मैं फटाफट किल्ला से ठोक देता हूँ और एक एक लाइन को आपको करके दिखाऊँगा आप कैसे कर सकते हो दोस्तों। इसका पानी का लाइन और ड्रेनेज लाइन ये सब आपको करके बताऊँगा मैं पूरे डिटेल्स के साथ में। तो यहाँ पर झूलन में काम हो रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों आउटसाइड का जो है डक्ट के अंदर ये, तो ये सब को मैं लगा देता हूँ। और ये आप देख लीजिए, एक क्लाइंब से जो दूसरा क्लाइंब का डिस्टेंस है यहाँ पे 3 फीट रखा हूँ और ये पूरा क्लाइंबिंग का काम जो है हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ जहाँ लाइन आएगा ड्रेनेज लाइन और ये पानी का लाइन घुसेगा वहाँ पे मैं होल मार रहा हूँ। तो होल फटाफट मार लेता हूँ और एक एक चीज जो आपको डिटेल्स में बताऊँगा आपको कैसे करना है। तो क्या है दोस्तों, ये बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलेगा और आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आउटसाइड का जो काम है मैं डोटी के थ्रू से करने वाला हूँ। और ये यूबोल्ट आप देख सकते हो, ग्रिप वाला बहुत ही हेवी यूबोल्ट आया है, ताकि दोस्तों बाद में कोई जंग से जुड़ी इसमें कोई दिक्कत ना आए। अब देख लीजिए, क्लाइंब मारने के बाद में ऊपर से यहाँ पर पूरा जो लाइन दोस्तों मैं फिट करके ले जाने वाला हूँ, क्योंकि झूलन का काम जो होता है नीचे से एक बार आपको क्लाइंब मार लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ऊपर से जितना लाइन आएगा आपको ऐसे करके ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों यूबोल्ट लगा लेता हूँ दोनों में पहले सैंपल में। तो एक साइड में जाए दोस्तों मैं 4 इंच का यहाँ पे क्लाइंब पट्टी लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं 3 पानी का लाइन। तो आप देख लीजिए, कोई भी एक साइड आपको ले लेना है तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 जो लाइन है दोस्तों, 2 1.5 इंच का लाइन है और एक इंच का लाइन और एक साइड वाला दोस्तों मोटर लाइन है यहाँ पर 1.5 इंच। और यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, एक वाटर सप्लाई लाइन है 1.5 इंच का मेनली और उसके बाद में एक गर्म का लाइन है और एक दोस्तों मोटर लाइन है। तो तीनों में मैं यूबोल्ट लगा लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको लगाकर टाइट कर देना है दोस्तों फिक्स वाना से, तो ये बिल्कुल ग्रिप में बैठ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक में अगर आप देख रहे हो तो डी आर प्लम्बर पेज को फॉलो जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको मैं सब में कपलिंग लगा देता हूँ और ये लाइन को मैं क्या कह दोस्तों कपलिंग देकर जोड़ देता हूँ सॉल्यूशन देकर अच्छे से। आप देख लीजिए, तो बहुत ही दोस्तों अच्छे से काम हो रहा है इस बंगले का। मैं पूरा काम जो है डिटेल्स में बताऊँगा सर, ड्रेनेज लाइन और पाइपलाइन के बारे में सभी काम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या देख लीजिए दोस्तों, पहले पानी के लाइन में घुसा रहा हूँ यहाँ पर टी मारकर डायरेक्ट टी से, और बाद में दोस्तों वहाँ से घूम जाएगा तो इसको टी पुश कर देता हूँ इसमें दोनों लाइन में और इसको घुसा कर अंदर से मैं सीधा कर लूँगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देकर ये दोनों जो है दोस्तों 1.5 इंच का और 1 इंच का टी को मैं पुश कर दूँगा। आप देख लीजिए, तो इसमें मैं लगा देता हूँ और यहाँ पे 2 लाइन है दोस्तों बेसिकली, एक रेगुलर वाटर और दूसरा एक गर्म वाटर का है, गर्म पानी का। तो यहाँ पर दोस्तों पानी का लाइन जो है एक बाथरूम में घुस गया है। अब यहाँ पर 4 इंच का लाइन को मैं जोड़ देता हूँ और नीचे अभी दोस्तों यहाँ पे डोटी से कनेक्शन करने वाला हूँ। यहाँ पे इसको पुश कर देता हूँ। आप देख लीजिए, जेड क्लाइंब से जो काम करोगे ना, आपका काम बहुत ही मजबूत होगा और दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपको काम भी करने में बहुत मतलब अच्छा दिखेगा काम आपका डक्ट के अंदर। और ये बोल्ट जो है दोस्तों काफ़ी मजबूत से इसमें नट बोल्ट से क्या है पकड़ता है। अब अंदर देख लीजिए दोस्तों, पानी का लाइन घुस गया और यहाँ पर इंटरनल लाइन में थोड़ा किल्ली क्लाइंब के थ्रू से घुमाया हूँ, अभी आपको दिखाऊँगा आप देख सकते हो। तो इसमें भी मैं दोस्तों 4 का इसमें यूबोल्ट लगा देता हूँ। तो इस टाइप से क्या है दोस्तों, घर का काम करोगे तो क्या मतलब दिखेगा भी अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों डोटी में यहाँ पे पुश कर देता हूँ नाप कर, अब मैं वहाँ पर बाहर लगाऊँगा भी इसको। आप देख लीजिए, यहाँ पर लुब्रिकेंट देकर इसमें पुश कर देता हूँ दोस्तों फटाफट। ये देख लीजिए, लगाकर घूम सीधा कर लूँगा और अंदर से एक टुकड़ा आ जाएगा। तो दोनों को मैं ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पे,
आप देख सकते हो दोस्तों, चार का भी लाइन जो है डोर टी मैं बाहर से छोड़ चुका हूँ। अब अंदर से जो है दोस्तों घूम जाएगा फॉल सीलिंग से, उस ऊपर का बाथरूम का जो काम है दोस्तों फॉल सीलिंग से होने वाला है, और नीचे का यहाँ पे ड्रेनेज होगा फ्लोरिंग का लेवल से। अब इसमें मैं टी लगा देता हूँ। तो दो बाथरूम का अलग अलग पानी का पॉइंट मैं छोड़ चुका हूँ टी लगा कर, और इसमें मैं क्लाम लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो इस बंगले में टोटल छः बाथरूम है। यहाँ पे दोस्तों इस डक्ट से मैं तीन बाथरूम का कनेक्शन करूँगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, होल से इस टुकड़े को मैं नाप लेता हूँ डोटे के लिए यहाँ पे। तो डोटे से क्या दोस्तों, सीधा सीधा लाइन मतलब या आप पोजीशन के आपको ऐसा कर लेना है तो सीधा सीधा लाइन घुस जाएगा, और अंदर आप ऐसे ड्रेनेज घुमाकर काम कर सकते हो। अब इसको मैं लुबड़ी के अंदर घुस कर दूँ, आप बाहर से इसको मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दूँगा। तो चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस टाइप का वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहता है, इसीलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अब देख लीजिए, अब इसको घुसाकर डोटी को मैं सीधा कर देता हूँ यहाँ पर दोनों को, और अंत में मैं आपको बताऊँगा अभी पूरा लाइन अंदर का। तो आप देख लीजिए दोस्तों, चार इंच का लाइन जो है अलग से आपको ऐसे सेपरेटली उतारना है, कॉमोट का और नानी ट्रप के लिए अलग से पॉइंट उतारना है डोरटी के थ्रू से यहाँ पे। तो सीधा सीधा लाइन अंदर से घूम जाएगा जहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए अंदर बाथरूम के हॉल के अंदर आ गया है। अब यहाँ से ड्रेनेज लाइन होने वाला है, मैं आपको इसका पार्ट टू वीडियो में बताऊँगा दोस्तों, इसका ड्रेनेज लाइन के बारे में, और सभी मैं आपको डिटेल्स में और भी बताऊँगा आगे चल के, इसका पार्ट टू वीडियो आएगा। तो वहाँ पे मैं आपको बाथरूम का ड्रेनेज लाइन और पाइपलाइन से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, काम जो है दोस्तों डक्ट का हो चुका है, और भी डिटेल्स में इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।